Anant Ambani. पहले तो मैं पर्सनल बात करूंगा जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए, बट मेरे ही बच्चों जैसे हैं तो मैं बात कर सकता हूं इससे कि यार व्हाट एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप सब लोग जो हैं जामनगर में, रिलायंस में, जियो में अनंत से मिल चुके हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फिजिकल वन, विच मे नॉट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवर, बट इट स्टिल इज एन अमेजिंग अमेजिंग फीट दैट इज अचीव। तुम्हारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत इंस्पायरिंग है, सो वेरी वेरी वेल डन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और तुम मुझे बताओ यार, तुमने ऐसा सब सोच वोच कर कैसे किया ये सब यार, क्यों किया? नहीं नहीं, मैंने तो अपनी हेल्थ को लाइन पर ले आने किया, और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, लाइन पर लाना है अपने को, हेल्थ को तो मैंने कर लिया। तुम जो लाइन पर लेकर आए हो ना, उससे जियो को भी बड़ी तकलीफ है, मुझे भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि जो हमारा जियो का डेटा पैक है और जो मेरा सिक्स पैक है, तुम्हारे पैक के सामने अब छोटा लगने लगा है यार। नहीं नहीं, आप फिक्र मत करिए, मैं आपका इंडस्ट्री में नहीं आ रहा हूँ, मैं यहीं हूँ रिलायंस परिवार के साथ। थैंक गॉड। रणवीर सुन रहा है तू? देख रहे हो तुम लोग, कितना अच्छा बच्चा है, कंपटीशन में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग पंगा ले जाते हो। ओके, जोक्स अपार्ट, आई वांट टू टेल सीरियसली, मैं इसको बचपन से जानता हूं, और जितने लोग आप लोग इसके साथ मिलते होंगे, जब भी आप बात करते होंगे, वन थिंग दैट हैज मेट धीरू भाई अंबानी जी, बट सब लोग ऐसा बोलते हैं तुम्हारा जो बातचीत का तरीका है, लोगों से तुम जो लगाव रखते हो, प्यार रखते हो, प्रेम रखते हो, एवरीबडी in the Reliance family feels you are going to be the next Dhirubhai Ambani ji. तो ये कोई प्रेशर है ऐसा फीलिंग तुमको क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। अगर रिलायंस परिवार का आशीर्वाद रहे, मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहे, तो मैं एक दिन वो भी करके दिखाऊंगा। I'll surely try to make the Reliance family and my family proud. Inshallah, well done. और ये जरूर करेगा यार। मुझे ना एक छोटा सा किस्सा मालूम है इसके बचपन का। ये धीरू भाई अंबानी जी के साथ एक दिन मरीन ड्राइव पे जा रहा था अपनी मम्मी के साथ और धीरू भाई जी के साथ, और वहाँ पे ना गुब्बारे बिक रहे थे, तो इसको दादाजी ने हमेशा बाहर ले जाके कहा ये गुब्बारे ले लो, तो 15 रुपए के इसने गुब्बारे खरीदे, 15 रुपए के 10-12 कुछ गुब्बारे खरीदे कुछ सालों पहले, जब छोटा सा था, 6 साल का था, 6 ईयर्स। ओके, सो मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम है। मुझे सबके बारे में सब कुछ मालूम है। अच्छा, अच्छा। डॉन की नजर सबके ऊपर है। मैं अभी क्या बोलूं, मैं ना अभी ये शर्मा जाएगा। तू ना शॉर्ट्स पहन के घूमता था जब से जानता हूं मैं तेरे को, तो डोंट लेट मी एक्सपोज यू। मैं भी आपके बहुत सारे चीज जानता हूं। तूने मुझे शॉर्ट्स में देखा है? उससे कई ज्यादा। वो मोमेंट ऑफ वीकनेस था अनंत, प्लीज डोंट टेल इट। सो ये 6 साल का था और इसने गुब्बारे खरीदे 15 रुपए के। फिर ये घर गए और इन्होंने डिसाइड किया कि यार ये 15 रुपए के जो गुब्बारे हैं ये थोड़े से महंगे लगे इनको, इनका दिमाग जो है, मैं जैसे मैं बता रहा था कि धीरू भाई अंबानी जी जैसे, तो तुमने क्या किया उसके बाद? बच्चे क्या करते हैं, गुब्बारे लेते हैं, उड़ाते हैं, खुश होते हैं, सो नाइस सो नाइस। तुमने क्या किया उसके बाद? मैंने जाकर गुब्बारे की पैकेट खरीदी, और हवा तो फ्री होता है, तो हवा भर दी और बेचने चला गया। पैकेट इसने 2 रुपए की खरीदी। लुक एट द अंबानी एंड द रिलायंस माइंड। हवा तो फ्री है, इसमें डालो 2 रुपए का गुब्बारा 15 रुपए के। सो आपका जो फ्यूचर है छोटा नहीं होता, ये आपसे ही सीखा है। सुना आप लोगों ने? कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जय रिलायंस। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये मैंने रिलायंस से सीखा था, पिक्चर में डाला, फिर तुमने सीखा है, तुम वापस डाल रहे हो, तो हम लोग जो है ऐसे गोल गोल घूम के हम दोनों ही बहुत तरक्की करेंगे। बिल्कुल। मेरी जो पहली इनकम थी 50 रुपए थी, तुम्हारी पहली इनकम क्या थी? छोड़ो छोड़ो, आपको शर्म आ जाएगा, छोड़िए। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, इसने मुझे शॉर्ट्स में भी देख लिया है, मुझे ऐसा शर्मिंदा कर रहा है। बट ऑनेस्टली आई लव हिम, इज अ स्वीट हार्ट।
एंड द नाइसेस्ट थिंग अबाउट अनंत इज जेन्युइनली इसका प्यार है बेजुबान जानवरों के साथ, पशुओं के साथ. एंड आई रियली बिलीव जो भी जानवरों से, फूल पत्तों से प्यार करते हैं वो जेंटलेस्ट और स्वीटेस्ट होते हैं. सो रियली एंड इंशाल्लाह ये बहुत काम करेंगे, बिजनेस करेंगे. मुकेश भाई इनको गाइड करेंगे, नीता भाभी इनको समझाएंगी, और आप सब जो पूरा रिलायंस का परिवार है इनके साथ रहेंगे. लेकिन टू मी द नाइसेस्ट क्वालिटी इज कि इनको जानवरों पशुओं से बहुत प्यार है. हाउ इज इट कि तुम इतने सारे बेजुबान जानवरों को इतना प्यार करते हो, इतना ध्यान देखभाल करते हो उनकी? जैसे आपने कहा, जानवर तो बेजुबान होता है. हमारा कर्तव्य है कि हम इनका ख्याल करें. आई वुड अर्ज एवरीवन आउट हियर टू रिस्पेक्ट एनिमल्स एंड ट्रीट देम विद काइंडनेस. अनंत तुम बहुत प्राउड होगे मुझसे. मेरे पास एक छोटी सी बिल्ली है घर में, मैं उसको घर जाके इतना प्यार करूंगा. म्याऊ. आप थोड़े और बिल्ली भी ले लीजिए घर पे. भाई इतना दूध थोड़ा मिलता है, इतने आराम से हम बिल्लियां बिल्लियां लेते रहे. वो भी भिजवा दूंगा रिलायंस फ्रेश से. तो पे ठीक हो गया. अब आप लोग समझ गए ना कि रिलायंस बिल्कुल सही हाथों के अंदर है. जो चीज चाहिए हम मुहैया करा देंगे अभी और चीपेस्ट दामों के ऊपर. बिल्कुल. यंगेस्ट किड इन द फैमिली, the sweetest of them all. तुम जो जवान लोग होते हैं आजकल टीवी देखते रहते हैं, तुम्हारा टीवी शो, सबसे फेवरेट टीवी शो कोई है? देखते हो, क्या करते हो? मैं ऐसे तो टीवी शो देखता नहीं हूँ, मगर मेरा फेवरेट टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति है. तो दैट्स अमेजिंग. सो इज माइन. या केबीसी नॉलेज भी आती है, शिक्षा भी मिलती है. और अमित जी इतनी कमाल से बात करते हैं भाई, लॉक कर दिया जाए. सो वी लव इट. चार रीजन बताओ केबीसी क्यों पसंद है तुम्हें. सबके तो एक ही रीजन होते हैं, चारों अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी. यस लेडीज एंड जेंटलमैन, केबीसी इज ओनली केबीसी बिकॉज ऑफ अमित जी. और आज हम अपनी पोजीशन यहां पर स्टेज पर मिसयूज करेंगे, बिकॉज आई एम गोना टेल अनंत. अनंत ऐसा करते हैं, अमित जी को यहां पर बुलाते हैं और ऑडियंस के साथ, आपके साथ, सारों के साथ थोड़ा सा केबी खिलाते हैं. वो हमको मना नहीं कर सकेंगे, हमने उनको फंसा दिया है. इज दैट अ गुड आइडिया? आप कर सकते हैं. मैं तो कुछ भी कर सकता हूं. आप करिए. लेडीज जेंटलमैन, अनंत एंड मी आर गोइंग टू कॉल द ग्रेट आइकॉन, द ओनली सुपर डुपर स्टार आवर कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड. वी आर गोइंग टू कॉल ऑन स्टेज. और मैं ईशा और आकाश से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ब्रिंग ऑन स्टेज एंड द बिगेस्ट राउंड ऑफ अप्लॉज, द लाउडेस्ट नॉइज वी हैव टुनाइट फॉर द वन एंड ओनली श्री अमिताभ बच्चन जी. Good evening, sir. Thank you very much, Akash, Isha. Amit ji, थोड़ा सा इधर आ जाएं, थोड़ी लाइट यहाँ बेहतर है. शुक्रिया. सर मैं एक छोटा मुंह बड़ी बात करना चाहता हूँ. मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं मुकेश भाई से अपना कंपैरिजन कर रहा हूँ. मुझे मालूम है कि वो गलत है, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुकेश भाई ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि अगर उन्होंने ले लिया होता तो वो सुपरस्टार होते. मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाती. रणबीर तू तो वैसी पंगा ले रहा है तू मुझसे यार, तेरा तो बड़ा प्रॉब्लम है यार. तो मुकेश भाई भी आ जाते तो मैं कुछ कर नहीं सकता. अमित जी जस्ट इमेजिन कि मेरी एक फिल्म थी ओम शांति ओम करके एक फिल्म थी मेरी, तो उसमें मेरा एक डायलॉग था, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. अब मुकेश भाई अगर मूवी स्टार होते तो वो कैसे बोलते? भाई इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर स्टेट में नया प्लांट लगाने की साजिश की है. सर मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूं, मुझे लगता है वो आपको भी थोड़ा सा मतलब चैलेंज कर सकते थे. जैसे आपकी फिल्म का डायलॉग है, एक मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है से जब हम बढ़ रहे थे, यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे शायद ना देखी हो, लेकिन मेरी उम्र के जो हैं सबने देखी होगी. एक फिल्म थी अमित जी की, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, कालिया 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 कालिया. सारे बड़ी उम्र वाले लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वहां से कालिया कालिया कर रहे हैं. उसमें एक लाइन थी एंड द लाइन वाज, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. अब आप इमेजिन कीजिए अगर मुकेश भाई
हीरो होते तो कैसा बोलते? हम जहां खड़े हो जाते हैं पाइपलाइन वहीं से शुरू होती है. सो थैंक यू मुकेश भाई फॉर नॉट बीइंग इन फिल्म्स. थैंक यू कोकिला बहन जी फॉर नॉट अलाउइंग हिम टू कम इन टू फिल्म. हमको बचा लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद.